हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध का सूत्रधार शकुनी का मौत कैसे हुआ था? एक बार शकुनी को पांडवों घेर लेते हैं, तब शकुनी वासुदेव से उसको माफ करने की विनती करता है। श्री कृष्ण शकुनी को बोलते हैं, अगर तुम बचना चाहते हो तो हमारे साथ चौसर खेलना पड़ेगा और उसके परिणाम निश्चय करेगा कि तुम सकुशल गंधार राज जाओगे कि जमलोक जाओगे। अब शकुनी खुश हो जाता है, बाकी वह भूल जाता है कि वह स्वयं नारायण के साथ पासा खेलने वाला है। दोस्तों, सर्वप्रथम शकुनी के वस्त्र को दांव पर लगाया जाता है और शकुनी पहला वाला दांव हार जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नकुल और सहदेव उसके शरीर से वस्त्र खींच के निकाल देते हैं। दोस्तों, उसके बाद शकुनी के 4 सोने का दांत को दांव पर लगाया जाता है और शकुनी पुनः ये वाला दांव भी हार जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्जुन शकुनी के मुँह में एक मुक्का मारकर उसका 4 सोने का दांत को निकाल देता है। दोस्तों, उसके बाद शकुनी की ओर से उसके दोनों हाथ को दांव पर लगाया जाता है और शकुनी पुनः ये वाला दांव भी हार जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों ने मिलकर उसका दोनों हाथ को तोड़ देते हैं। दोस्तों, उसके बाद वासुदेव श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने शकुनी के शरीर में तलवार से कई बार प्रहार करके उसका हत्या कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना है। आखिर में एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।